तारिक रोड किसी ज़माने में शहर का सबसे बड़ा मरकज़ होता था ख़रीदारी का, और एक पोश इलाका समझा जाता था ख़रीदारी के लिए। यहाँ पे नस्बतन अच्छा माल और खाते पीते लोग यहाँ शॉपिंग करते थे, और गुज़रते वक्त के साथ शहर के हर हिस्से में तकरीबन तरह तरह के मॉल्स खुल गए। उसकी वजह से अब किसी भी इलाके में इस लेवल की मार्केटें मौजूद होती हैं, और वो रश नहीं होता जो माजी में लोग यहाँ टैक्सी रक्षा करके स्पेशली पहुँचते थे कि यहाँ से कुछ ख़रीदारी करें। कुछ दुकानें और मकानात अभी तक पुरानी हालत में, लेकिन बेशतर एक एक करके बदल गई हैं। बादराबाद से तारिक चौरंगी से होते हुए पुराने अल्लाह वाला चौरंगी की तरफ, और ये लेफ्ट साइड पे ये झील पार्क की तरफ लोग जा रहे हैं। तारिक रोड की खास बात ये है कि एक ही जगह पर कपड़ों से लेकर ब्रांडेड माल के अलावा ज्वेलरी भी मिल जाती है। यहाँ कुछ खाने पीने की भी दुकानें खुल गई हैं, एक दो शादी हॉल भी हैं, और यहाँ भी बड़े बड़े मॉल्स खुल गए हैं। और तारिक रोड जो लोग पहले से आ रहे हैं अब वो आते हैं उन्हीं मॉल में चले जाते हैं। तो बाहर की भी दुनिया जो है एक उस आफ्ताब के साथ तो मौजूद नहीं जैसे थी, लेकिन चल रही है। यहाँ पे ये एक मशहूर निहारी वाला आएगा, एक जाहिद निहारी है, और यहाँ लोग दूर दूर से निहारी और नान खाने आते हैं। जैसे जैसे हम आगे एक मारूफ सड़क की तरफ जा रहे हैं, हमारे सीधे हाथ पे एक कब्रिस्तान आएगा, तारिक रोड का कब्रिस्तान, और लेफ्ट साइड पे मैकडोनल्ड वाली बिल्डिंग जिसको बहरिया टावर भी शायद कहा जाता है, या बहरिया सेंटर, उसमें ऑफिसेज हैं। आप देखिए कब्रिस्तान की इस कोने पे ये मस्जिद है रहमानिया मस्जिद के नाम से, और वो इमारत है जिसको मैं कह रहा था कि इसमें नीचे इसके मैकडोनल्ड है और ड्राइव थ्रू है इसमें, ये अच्छी बात है। इस कोने पे गाड़ियों का थोड़ा सा काम होता है, कभी इसको भी डिस्कवर करेंगे। इसी पे कंटिन्यू करेंगे तो हम सिंधी मुस्लिम की तरफ चले जाएंगे, जो कराची की एक मशहूर फूड स्ट्रीट है, रात के वक्त आने की जगह है वो। कब्रिस्तान आप देख रहे हैं, कब्रिस्तान है, माफ कीजिए माफ कीजिए। मुस्लिम के हिस्से पे बड़े बड़े स्टोर और खाने पीने की दुकानें। यहाँ पर मेरा पसंदीदा तो ये है रॉयल, और इसका एक ख़ास चिकन रहता है साउथ में मसालेदार, वो मैं बहुत शौक से खाता हूँ। आगे जाएंगे तो शाहरा फैसल को टच करेंगे, इसलिए हम आगे नहीं जाते, हम यहीं से घूम लेते हैं और वापस तारिक रोड का दूसरा हिस्सा देख लेते हैं, और इस तरह तारिक रोड को कवर कर लेते हैं। मैं अभी तक सिंधी मुस्लिम में हूँ, ये आप देख रहे हैं। पुराने ज़माने के रिक्शे अभी भी दो चार हैं, हालांकि अगर सिटी का कोई निज़ाम हो कि सबसे सारे एक तरह के हों और ख़ूबसूरत हों, तो इससे शहर की खूबसूरती में इजाफा हो सकता है।
और भाई सीरियस से सब ठीक है? हमारी तरफ गाड़ियों का ये काम, दूसरी तरफ उसके बिल्कुल सामने गाड़ी का कोई भी काम हो मैं यहाँ से करा लेता हूँ बासानी। एक मतलब फिर कब्रिस्तान को देखिए, तारिक रोड का कब्रिस्तान और उसके साथ रहमानिया मस्जिद। आगे जाहिद निहारी हाउस के बाहर से गुजरेंगे। ये जाहिद निहारी हाउस है, ये देखिए आप, अभी रश नहीं है, कम है, लेकिन इसकी अपनी बात है, अपने इसके मजे हैं। अगर आप पूछेंगे तारिक रोड की खास बात क्या है, तो खास बात यही है कि तारिक रोड में सब कुछ है। इस तरफ मैंने आपको छोटी सी गाड़ियों की मार्केट दिखाई थी, लेकिन अंदरूनी हिस्से में गाड़ियों का, एयर कंडीशन का बहुत शानदार काम होता है। तारिक रोड पे फुटपाथ ही बहुत हैं, अंदर बाजार लगते हैं गलियों में। तारिक रोड पे एक जगह ऐसी भी है, उसका कमर्शियल एरिया है जो 24 घंटे खुला होता है, और तारिक रोड पर बड़े बड़े मॉल्स हैं। तो ऑल इन वन एक जगह से आप अगर बहुत सारे काम निपटा लें, और इसका अपना एक मज़ा है कि आप इसके फुटपाथों पे चलते फिरते आगे पीछे चीज़ें देखें और उसके लिहाज से तफरी करते हुए, एक फैमिली शॉपिंग की जगह है आज भी। यहाँ की मेरे सीधे हाथ पे जो इलाका है, यहाँ की गलियों में कुर्ता गली है, और वहाँ पर शलवार कमीज कुर्ते बहुत शानदार मिलते हैं। कभी उस तरफ देखेंगे, इस वक्त हमारा रुख तारिक रोड अल्लाह वाला चौरंगी से बहादुराबाद चौरंगी की तरफ है, और हम जाकर हिट करेंगे शहीद मिल्लत को। हमारे लेफ्ट साइड पे एक डॉलमन मॉल आएगा, और ये मदीना मस्जिद है। शहर के बीच में इसकी लोकेशन है, मिड शहर असल में यही हो गया, और हर तरफ के लोग यहाँ आसानी से पहुँच जाते हैं, ये भी एक बड़ी वजह है। और इसके साथ जो बहादुराबाद का इलाका है, वो भी एक खाने पीने का और कुछ स्टोर और ब्रांडेड शॉप्स का मरकज़ है। तारिक रोड ख़ास तौर पर लड़कियों में, ख़वातीन में ज़्यादा मशहूर है।
और उसकी वजह यही है कि यहाँ एक इनको एक ऐसा फैमिली के घूमने की जगह ये लगती है कि जहाँ वो अपने आप को महफूज समझते हुए शॉपिंग करती। तारिक रोड में जो शादी ब्याह के कपड़ों की दुकानें हैं वो भी बहुत मशहूर हैं, और वो बहुत सारी दुकानें अब मॉल के अंदर भी मुंतकिल हो चुकी हैं। चौड़ी सड़क है, दोनों तरफ पार्किंग बहुत ज़्यादा दस्तयाब है, और अगर आप सुबह आके गाड़ी कहीं पार्क करके एक सिरे से दूसरे सिरे पे घूम फिर के शॉपिंग करना चाहें तो आपका पूरा दिन इसमें निकल जाएगा। शहीदी मिल्लत रोड को हम हिट करने जा रहे हैं और वहाँ से हम अपना ये सफ़र समेट लेंगे। तारिक रोड की जो ख़राब चीज़ लगती है मुझे, वहाँ यह सिग्नल्स पे फ़कीरों का हुजूम है, और ये आम ज़रूरतमंद लोग नहीं है, ये प्रोफेशनल ग्रुप की शक्ल में ठेके पे लेकर आते हैं, और ये यहाँ पर खाना पीना थोड़ा दुश्वार है। वो आके आपसे कुछ खैरात मांगने के लिए गाड़ी के शीशे तक बजाते हैं। हम शहीद मिल्लत रोड पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये भी एक शहर का एक ऐसा इलाका बनने जा रहा है, बन चुका है, जिसके दोनों तरफ बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, और यहाँ भी कुछ खाने पीने के स्टोर हैं। बताया गया है कि ये इलाका किसी भी दौर में कभी बंद नहीं होता। एक्सेस अच्छा होने के साथ साथ इसमें कोई लड़ाई झगड़ा, कोई फसाद, कोई जलसा जुलूस, ये इन चीज़ों से बहुत दूर है, और हर लिहाज से एक बिजनेस की जगह है, बेहतरीन। देखिए आप, एक बिल्डिंग के साथ दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, दोनों तरफ, और ये जब ये दबाव बढ़ेगा आबादी का और गाड़ियों का, तो ये बहुत ज़्यादा रहने के लिए पुरसकून जगह नहीं रहेगी, ये एक बाजार और कमर्शियल जगह बन जाएगी। शहीद मिल्लत पे हम ऊपर चढ़ रहे हैं, और ये लेफ्ट साइड पे हमारे बहुत मशहूर स्टोर